गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछले क्लास से आगे की बात करेंगे और आज के क्लास में हम लोग शैडो बेस्ड डायरेक्शन सीखने वाले हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट होगा एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हमने लाइट दिया। आप कोई आर्टिफिशियल लाइट भी दोगे तो किसी ऑब्जेक्ट का शैडो दैट मींस छाया बनेगा, बट इस चैप्टर में हम लोग लाइट का मतलब क्या समझेंगे, सन, जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। तो इस ऑब्जेक्ट पर इधर से सन लाइट पड़ रहा है। तो आप 9th-10th के फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट से, किसी ओपेक बॉडी से, अपारदर्शी पदार्थ से जब कोई लाइट की रेज टकराती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। दैट मीन्स सनलाइट जो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उसी रास्ते वापस आ जाएगा, जबकि इधर से जो रेज गुजरेगी, इधर से जो लाइट की किरण गुजरेगी वो इस ऑब्जेक्ट को पार कर जाएगी, जिसके कारण होगा क्या, तो इधर तो लाइट दिखेगा, इधर लाइट दिखेगा, बट ये जो ऑब्जेक्ट जो है जितना बड़ा उतना ही भाग पीछे क्या छा जाएगा, अंधेरा, क्योंकि लाइट इधर है, इधर है, और इस ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ा वो तो उसी रास्ते वापस आ गया, जिसके कारण इधर पीछे क्या छा जाएगा, अंधेरा, जिसे हम इस ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे, शैडो, छाया। तो यहां से एक रिजल्ट क्लियर हो रहा है कि अगर लाइट, सूर्य की किरण आगे से पड़ रही है तो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो कहां बन रही है, पीछे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लाइट के अपोजिट साइड क्या बनती है, शैडो बनती है। लाइट का मतलब क्या, सन, यानी सन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या बनेगा, शैडो। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला क्या, सन यानी सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो यानी छाया बनता है। अब बच्चे, सन की दो ही स्थिति होती है, आप सबको पता है कि मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है, वहीं इवनिंग में सन क्या होता है, वेस्ट में। तो अगर हम दोनों कंडीशन पे चर्चा करें तो इन मॉर्निंग यानी सुबह में आप सबको पता है कि सन राइज होता है, सूर्योदय होता है, यानी मॉर्निंग में बोले तो सूर्योदय के समय, सन किधर होगा, तो सन होगा ईस्ट डायरेक्शन में। और जब सन ईस्ट में होगा, और अभी आपने पढ़ा कि सन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनेगा, दैट मींस सुबह में किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की शैडो किस डायरेक्शन में होगी, ईस्ट का अपोजिट, वेस्ट डायरेक्शन में। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये ध्यान में है तो आप क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय आपको समझ में आएगा। वही सन की दूसरी कंडीशन क्या है, इवनिंग में, यानी सनसेट के समय, सूर्यास्त के समय। तो इन इवनिंग यानी शाम में, सूर्यास्त के समय सन किधर होगा,
तो बच्चे सन होगा वेस्ट में, और जब सन वेस्ट में है तो किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन की शैडो, शैडो मीन्स छाया किस डायरेक्शन में बनेगी, तो सन का अपोजिट शैडो यानी वेस्ट का अपोजिट ईस्ट डायरेक्शन में क्या बनेगी, शैडो। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही दो कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि मॉर्निंग में, मॉर्निंग में सन किधर होगा, ईस्ट में, तो शैडो किधर बनेगा, वेस्ट में, और वहीं इवनिंग में सन होगा वेस्ट में तो शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ट। तो बच्चों बोलता है कि सुमित एक गार्डन में सुबह 7 बजे टहल रहा था। अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन में बोला सुबह 7 बजे, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सुबह का मतलब सन ईस्ट में और शैडो किधर, वेस्ट में। यह क्वेश्चन पढ़ते के साथ माइंड में क्लिक करना चाहिए। आगे बोलता है, उसने अपनी छाया अपने दाईं ओर देखी तो सुमित किस दिशा में टहल रहा था। दैट मीन्स सुबह सुबह जो बगीचे में सुमित टहल रहा है वो कौन सा डायरेक्शन है वो नहीं पता, वही तो आपको बताना है कि किस दिशा में टहल रहा था। तो जब इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे कि कोई एक डायरेक्शन में मान लेंगे, कि माना कि पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि पर्सन इनिशियल में स्ट्रेट जा रहा था। अब ये डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो हमने माना है कि पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो हमें पता करना है कि आखिर ये डायरेक्शन है कौन सा। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टहलते टहलते, ये इस डायरेक्शन में टहल रहा है, और टहलते टहलते उसने अपनी छाया अपने दाईं ओर देखी यानी उसके राइट साइड। तो पर्सन स्ट्रेट जा रहा है तो उसका राइट किधर होगा, इधर, और राइट साइड उसे अपना क्या नजर आया, शैडो यानी छाया नजर आया। और बच्चे जब छाया इस डायरेक्शन में है तो सूर्य किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और आपने पहले पढ़ा है पीछे के क्लास में डायरेक्शन इंटरचेंज में कि यदि आपको कोई एक डायरेक्शन पता चल जाए, सपोज मैंने इसे साउथ बोल दिया, तो अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाए तो आप सारे डायरेक्शन बता सकते हो। कैसे, तो सिर्फ आपको क्लॉकवाइज रोटेशन पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज में ये नॉर्थ है और यहां से पर्सन 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले तो नॉर्थ के बाद क्या आएगा, ईस्ट, ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पे साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद क्या, नॉर्थ। तो क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद क्या आता है, ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ, साउथ के बाद हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा, वेस्ट। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन आपको याद रखना है, ये याद है, और आपको कोई एक डायरेक्शन पता चल जाए तो आप सारे डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे मैंने इसे साउथ बोला, तो ये अगर साउथ है तो साउथ के बाद ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद साउथ के बाद क्या आएगा, वेस्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या होता है, नॉर्थ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो कोई एक डायरेक्शन पता हो और क्लॉकवाइज रोटेशन पता हो तो आप सारे डायरेक्शन बता सकते हैं। उसी प्रकार यहां पे यदि हमें कोई एक डायरेक्शन पता चल जाए तो हम सारे बता सकते हैं। और यहां डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली दे दिया है। कैसे, तो सुबह का समय है और सुबह सुबह जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो हमें इस डायरेक्शन में सूर्य नजर आया। और आप जानते हैं कि सुबह सुबह जिस डायरेक्शन में सूर्य नजर आएगा वो डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट। और अगर ये ईस्ट है तो अब तो क्लॉकवाइज रोटेशन पे बस घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज में साउथ के बाद ये क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट के बाद ये क्या,
साउथ, सॉरी ये ईस्ट है, हमने साउथ बोल दिया। ईस्ट के बाद क्या होगा क्लॉकवाइज में? साउथ। साउथ के बाद क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या होगा? नॉर्थ। तो हमें पता चल गया कि पर्सन जो टहल रहा था वो कौन सा डायरेक्शन था, तो साउथ था। ये तो हो गया विथ पेन। अब इसे ही हमें विदाउट पेन सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? तो इसे हमें ट्रिक पे ढालना होगा। ट्रिक पे कैसे ढालेंगे? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम इसे ट्रिक पे ढालते हैं। तो आपने पीछे क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई पर्सन, सपोज कोई पर्सन इस पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में, आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है? वेस्ट, सॉरी ईस्ट। तो कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर गया। तो पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट में 5 मीटर गया और ये रहा उसका क्या फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट से फिर इनिशियल पॉइंट आने के लिए नॉर्थ ईस्ट का उल्टा, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या साउथ वेस्ट में कितना मीटर आना होगा? 5 मीटर। तो डिस्टेंस वही रहेगा। इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट आप गए हैं, फिर से फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट आना है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। आप यहां से इस डायरेक्शन में ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर अगर 5-7 मीटर गए, तो फिर इस फाइनल पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए 7 मीटर ही चलना होगा, बस ईस्ट का उल्टा क्या वेस्ट में चलना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लागू करेंगे तो क्या होगा? तो इसी पे हम बनाते हैं। पर्सन, ये पर्सन इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से पर्सन ने क्या किया? राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया तो उसे छाया नजर आया। ये छाया मतलब क्या? ये उसका फाइनल पॉइंट था। राइट टर्न ही तो सिर्फ लिया है। तो अब आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए राइट टर्न लिया है, तो फिर इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जाने के लिए राइट का अपोजिट क्या लेना होगा? लेफ्ट टर्न। ध्यान से समझेंगे। अब ये छाया के टर्म में दिया है, अगर इसका डायरेक्शन हमको पता हो, डायरेक्शन पता चल जाए, तो हम आराम से कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से राइट टर्न लिया तो ईस्ट वेस्ट जो भी हो उस डायरेक्शन में गया। तो उस पॉइंट से ईस्ट या वेस्ट फिर इनिशियल पॉइंट लाने के लिए हमें क्या लेना होगा? लेफ्ट टर्न। तो अब मेन पॉइंट क्या रह गया कि इसका डायरेक्शन पता करना, और छाया का डायरेक्शन आप इजीली पता कर सकते हैं। कैसे? तो सुबह का समय है, सुबह के समय सन ईस्ट में, तो छाया किधर? वेस्ट में। यानी ये रहा क्या? वेस्ट। तो अब हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से पर्सन ने राइट टर्न लिया, इनिशियल पॉइंट से पर्सन ने राइट टर्न लिया तो उसे छाया दिखा, यानी वो वेस्ट में गया। तो फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट आने के लिए, यानी राइट का अपोजिट क्या लेना होगा? लेफ्ट। यानी वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेगा, तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या होगा? साउथ। अब आप बोलोगे, सर आपने इजिली कैसे बोल दिया कि वेस्ट का के लेफ्ट में साउथ ही होगा? तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वेस्ट का मतलब क्या? घड़ी के अकॉर्डिंग 9, और लेफ्ट का मतलब क्या? घड़ी के पीछे। तो 9 के पीछे घड़ी में क्या बजेगा? 8, 7, 6, 3 बार। 9 के पीछे क्या? 6, और 6 का मतलब क्या होता है? साउथ। इसलिए हमने इजली बोल दिया कि वेस्ट के लेफ्ट में क्या होगा? साउथ होगा। आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, उसे आप फास्ट बनाकर बताएंगे। मैंने बोला कि एक पर्सन है जो अपने घर से बाहर किसी दिशा में चल रहा था,
किस दिशा में चल रहा था नहीं पता, बस घर से बाहर मूव कर रहा था। और चलते चलते अचानक उसे लेफ्ट डायरेक्शन में, उसे अपने बाएं तरफ छाया नजर आया। शाम का समय था, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शाम के समय एक व्यक्ति अपने घर से बाहर घूम रहा था, अचानक उसे अपने बाईं ओर लेफ्ट साइड छाया नजर आई। तो पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा था? तो अगर मैं इसे विदाउट पेन सॉल्व करूं तो मैं क्या सोचूंगा कि इनिशियल पॉइंट से पर्सन ने क्या टर्न लिया? लेफ्ट। तो उसे छाया नजर आया। अब आपको पता है कि ये छाया से काम नहीं चलेगा भाई, इस छाया को बदलना होगा किसमें? डायरेक्शन में। और छाया को डायरेक्शन में, यही तो एक पॉइंट है जिसे आपको करना है। और छाया को डायरेक्शन में बदलना बिल्कुल इजी है। कैसे? तो शाम के समय में सन होता है बच्चे वेस्ट में, और जब सन वेस्ट में होगा तो छाया किधर होगा? वेस्ट का अपोजिट, ईस्ट में। तो हमने इजिली कंक्लूड कर लिया कि शाम के समय छाया किधर होगा? ईस्ट में। अब क्या सिनेरियो बन रहा है कि इनिशियल पॉइंट से पर्सन ने लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट नजर आया उसे। तो फिर ईस्ट से इनिशियल पॉइंट जाने के लिए उसे क्या लेना होगा? राइट टर्न लेना होगा। और बच्चे जब ईस्ट से राइट टर्न लेगा तो राइट का मतलब आगे, ईस्ट का मतलब घड़ी के अकॉर्डिंग क्या? थ्री। और ईस्ट राइट का मतलब आगे, तो तीन के आगे घड़ी में क्या बजेगा? छः। और छः का मतलब क्या होगा? साउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इसी को अगर कॉन्सेप्ट से सोचते, कोई जरूरी नहीं था कॉन्सेप्ट से सोचने का, दम इजी, 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बट आप बोलोगे कॉन्सेप्चुअली बताओ, तो कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे? पर्सन को स्ट्रेट चला देंगे, मान लेंगे कि पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा था। जाते जाते पर्सन ने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया। और लेफ्ट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन से, लेफ्ट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, जहां उसे क्या नजर आया? छाया। और बच्चे ये छाया है तो इधर क्या होगा? सूर्य। उसके बाद आप टाइम देखेंगे तो शाम का समय था और इस डायरेक्शन में सूर्य नजर आ रहा था, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट। और जब ये वेस्ट हो गया तो आप क्या करोगे? क्लॉकवाइज रोटेशन याद रखोगे, NESW, उस पे बस मूव करा दोगे। वेस्ट के बाद 90 डिग्री पे नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ। पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ होगा। यदि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि शाम 4 बजे मोहन एक पार्क में बैठकर पढ़ रहा था। मोहन की छाया ठीक उसके सामने पड़ रही थी, तो मोहन किस दिशा में बैठकर पढ़ रहा था? तो अब हमें फिर से नहीं पता कि मोहन किस डायरेक्शन में बैठा है। तो आप क्या करेंगे? मान लेंगे कि मोहन मोहन इस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ रहा था, और उसकी छाया भी उसके क्या पड़ती है? सामने। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में छाया होगा उसी डायरेक्शन में तो उसका फेस होगा, क्योंकि छाया उसके सामने पड़ रही है। और ये कंक्लूड करना एकदम इजी है कि शाम के समय छाया किस डायरेक्शन में होगा। तो शाम के समय सन होगा वेस्ट में, सन होगा वेस्ट में, तो छाया किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट में। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कोई जरूर, ये तो एकदम इजी था कि छाया उसके सामने पड़ रही है। बस ये लाइन आप समझ गए कि छाया सामने है, दैट मीन्स छाया जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में उसका चेहरा होगा। और शाम के समय छाया किस डायरेक्शन में होगा? तो शाम के समय छाया इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। बिल्कुल इजी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों बोलता है कि सूर्यास्त के समय मोहन एक बगीचे में टहल रहा था और उसकी परछाई उसके बाएं पड़ती है। तो पहले तो ये नहीं पता कि मोहन किस दिशा में टहल रहा है, बट टहलते टहलते जब वो लेफ्ट टर्न लेता है तो उसे छाया नजर आती है। आगे बोलता है दीपक, एक एक्स्ट्रा पर्सन आ गया दीपक, जो मोहन के क्या रहा है विपरीत डायरेक्शन से। तो अगर मोहन का डायरेक्शन पता चल जाए, सपोज मोहन ईस्ट में है, तो मोहन अगर ईस्ट में होगा तो मोहन के अपोजिट है दीपक, दैट मींस ईस्ट का अपोजिट वो वेस्ट होगा। तो ये तो कंक्लूड करना बहुत आसान है, यह सिर्फ हमें मोहन का डायरेक्शन पता चल जाए। और दीपक मोहन के विपरीत दिशा से आते आते लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद दीपक का डायरेक्शन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आराम से पार्ट बाय पार्ट विदाउट पेन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इतना पार्ट को लेते हैं, पहले हम लोग इस पार्ट को यहां तक सॉल्व करते हैं। यहां तक से आप आराम से मोहन का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मोहन इनिशियल पॉइंट से क्या टर्न लिया, लेफ्ट, तो उसे क्या नजर आया, छाया। तो आपने अभी सीखा है कि इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट टर्न लिया तो उसे छाया नजर आया। तो पहले तो आपको छाया का डायरेक्शन पता करना होगा। और बच्चे शाम का समय है, तो शाम के समय सन ईस्ट में, सन वेस्ट में, तो छाया किस में, ईस्ट में। शाम के समय सन होगा वेस्ट में, तो परछाई किस में होगी, ईस्ट में। यानी कुल मैटर क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट से बंदे ने लेफ्ट टर्न लिया तो उसे डायरेक्शन क्या नजर आया, ईस्ट। तो फिर ईस्ट से इनिशियल डायरेक्शन में जाने के लिए लेफ्ट का अपोजिट उसे क्या टर्न लेना होगा, राइट। और ईस्ट से राइट टर्न लेगा, ईस्ट से राइट टर्न लेगा तो ईस्ट के राइट में क्या होगा, तीन के आगे छह, यानी क्या हो जाएगा, साउथ। इससे ये क्लियर हो गया कि मोहन का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। और मोहन का डायरेक्शन अगर साउथ है तो दीपक का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, नॉर्थ। और नॉर्थ में जाने के बाद दीपक ने क्या टर्न लिया है, लेफ्ट। तो नॉर्थ से अगर लेफ्ट टर्न लेगा, तो नॉर्थ से अगर कोई पर्सन लेफ्ट टर्न ले तो वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट। तो मोहन का डायरेक्शन साउथ, दीपक का डायरेक्शन नॉर्थ, और नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लिया दीपक तो दीपक किस डायरेक्शन में पहुंच गया, वेस्ट में। क्लियर, कोई जरूरी नहीं था, आप आराम से सोच सकते थे ऐसे ही। कैसे, तो इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट में पहुंचा, तो फिर से इनिशियल पॉइंट जाने के लिए राइट टर्न लेना होगा, ईस्ट के राइट में साउथ। साउथ में कौन है, तो साउथ में है मोहन, तो दीपक किधर होगा, साउथ का उल्टा नॉर्थ। और नॉर्थ से उसे लेफ्ट टर्न लेना है, नॉर्थ का मतलब क्या, 12। और 12 से लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट का मतलब पीछे, 12 के पीछे 9, 9 का मतलब क्या, वेस्ट। सो सिंपल। अब इसी को अगर हम कॉन्सेप्ट से बनाए, तो कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, तो मान लेंगे क्या, ये तो हो गया विदाउट पेन। मान लेंगे कि पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा था, ऊपर की ओर स्ट्रेट, ये डायरेक्शन में। इसके बाद वो बाएं टर्न लिया तो उसे क्या नजर आया, छाया। छाया ये है तो ये रहा सूर्य। शाम का समय है, सूर्य किधर होगा, वेस्ट में। वेस्ट में सूर्य, तो ईस्ट में क्या, छाया। ईस्ट के बाद NESW आपको पता है, ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ। साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, ये मोहन हो गया। अब मोहन साउथ में, तो दीपक उसका जो उल्टा जा रहा है, तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे यानी नॉर्थ में आएगा, और यहां से उसे लेफ्ट टर्न लेना है। तो हमारे अपोजिट है, हमारा राइट इधर होगा, तो इधर दीपक का क्या होगा, लेफ्ट, क्योंकि ये हमारे क्या है, अपोजिट। मोहन का इधर राइट, तो दीपक का इधर क्या, लेफ्ट।
और लेफ्ट टर्न लेगा तो वो इधर कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आप ऐसे सोच सकते थे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोलता है कि शाम में सूर्यास्त के समय 5 PM पर मोहन और सोहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठकर पढ़ रहे थे। दो फ्रेंड हैं मोहन और सोहन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे हमारा फेस आपके सामने है तो आपका फेस, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फेस हमारे सामने यानी इस बोर्ड के सामने होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हम और आप दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है छोटा सा, कि जब भी दो पर्सन एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, ये हमारा राइट इस डायरेक्शन में है, अभी अभी हमारा राइट, क्योंकि हम आपके सामने देख रहे हैं और आपका फेस किधर है, बोर्ड के सामने, तो हमारा राइट इधर है तो आपका राइट इधर नहीं होगा, आपका राइट किधर होगा, इधर, क्योंकि आपका फेस इधर है। मैं भी अगर अपना फेस बोर्ड की ओर कर लूंगा तो मेरा भी राइट किधर हो जाएगा, इधर, बट अभी आपका फेस बोर्ड की ओर है क्योंकि आप बोर्ड को देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा राइट किधर, इधर, तो आपका राइट जस्ट अपोजिट इस साइड है, यानी जिधर आपका राइट है उधर हमारा क्या है, लेफ्ट, और जिधर आपका लेफ्ट है उधर हमारा क्या है, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि जब भी दो पर्सन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे ये मोहन है और ये क्या है, सोहन, सपोज ये मोहन है और ये सोहन है, अब मोहन का फेस ऊपर की ओर और सोहन का फेस नीचे की ओर, तो मोहन का अगर इधर राइट है तो इधर सोहन का राइट नहीं होगा, इधर सोहन का क्या होगा, लेफ्ट, और इधर मोहन का लेफ्ट है तो इधर सोहन का क्या होगा, राइट, क्योंकि दोनों का फेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हमें कुछ भी बोलना हो तो हम बोल सकते हैं क्या, कि मोहन किसी चीज को इस साइड देख रहा है, मान लीजिए इस साइड मोहन को एक पेन नजर आ रहा है, तो हम दो तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, एक कि मोहन अपने राइट साइड एक पेन को देख रहा है, दूसरा मोहन ही देख रहा है, बट इस बार हम मोहन के रेस्पेक्ट में नहीं बोलेंगे, सोहन के, कि मोहन एक पेन को सोहन के बाएं साइड देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी पेन को मोहन सोहन के बाएं देख रहा है, मतलब खुद के दाएं देख रहा है, सोहन के लेफ्ट मतलब खुद के क्या देख रहा है, राइट देख रहा है। हम बोले कि हम एक दीवाल को आपके लेफ्ट साइड देख रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड देख रहे हैं मतलब खुद के क्या देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, अगर नोट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि मोहन और सोहन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और मोहन की छाया, शैडो किसकी बन रही है, मोहन की, बट मोहन की शैडो सोहन के राइट बन रही है, तो सोहन के राइट बन रही है मतलब मोहन के खुद के क्या बन रही है, लेफ्ट बन रही है। तो पहला काम क्या करना है कि जिसका शैडो बन रहा है उसी को आपको यहाँ पे सिर्फ रखना है, दोनों को नहीं रखना है, शैडो मोहन का बन रहा है तो हम इस, ये पर्सन कौन है, मोहन। और दूसरा काम क्या करना है कि मोहन का शैडो सोहन के राइट, तो इस टर्म को मोहन के रेस्पेक्ट में तोड़ देना है। तो मोहन के रेस्पेक्ट में कैसे तोड़िएगा, अभी आपने सीखा कि मोहन का साया सोहन के राइट है, डेट मीन्स मोहन के खुद के क्या होगा, लेफ्ट। तो पहला काम तो ये आपको करना है। तो ये रहा मोहन,
अब ना ये पता है कि मोहन किस डायरेक्शन में है, ना ये पता है कि सोहन किस डायरेक्शन में है, बट एक पता चल जाएगा तो दोनों पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और यहां पे मोहन के लेफ्ट शैडो बन रहा है, तो ये अगर मोहन है तो मोहन का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, इधर क्या बना छाया, और इधर छाया बना तो इधर क्या होगा सूर्य। अब इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक वो विदाउट पेन और एक पेन, तो दोनों में पहले इतना तो करना होगा, दोनों ही के लिए ये पार्ट तो कर ही लेना है, उसके बाद किस मेथड से आप बनाओगे आप सोच लेना, तो हम दोनों से बनाकर आपको दिखा देते हैं। अब शाम का समय है, तो शाम के समय छाया किधर होगा, ईस्ट में, दैट मींस ये डायरेक्शन कौन सा ईस्ट, ये ईस्ट, तो ये कौन सा वेस्ट, और एनी एस डब्ल्यू में ईस्ट के बाद क्या आता है साउथ आता है, तो ये रहा ईस्ट के बाद साउथ, ये वेस्ट और ये क्या नॉर्थ। पूछ रहा था मोहन किस दिशा में है, तो मोहन का तो क्लियर है कि मोहन साउथ में है, यही सोहन पूछता तो मोहन अगर साउथ में है तो सोहन साउथ का अपोजिट क्या हो जाता नॉर्थ में, ये काम कर लिया। दूसरा दूसरा काम क्या करते कि हमको ये पता चल गया था कि मोहन के लेफ्ट शैडो बन रहा है, और मोहन के लेफ्ट शैडो बन रहा है तो इतना करने के बाद हमको शैडो को भी तोड़ लेना था कि शाम के समय शैडो किधर होगा भाई, तो ईस्ट में, यानी आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो दो काम करना है, एक तो इसको ब्रेक कर लेना है क्योंकि ये शैडो मोहन का बन रहा था और ये दिया था सोहन के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट काम हमने किया कि इसको तोड़ लिया, दूसरा शैडो का डायरेक्शन पता कर लिया, शाम का समय है तो शैडो ईस्ट में, अब सिंपल मोहन लेफ्ट टर्न लिया तो किधर गया ईस्ट में, तो फिर उसी डायरेक्शन में जाने के लिए लेफ्ट का उल्टा क्या टर्न लेना होगा भाई राइट, और ईस्ट के राइट में क्या होता है, तो ईस्ट के राइट में साउथ होता है, एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेना है, शैडो एकदम इजी है, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये पहले मोहन के रेस्पेक्ट में कर लिया और उसके बाद क्या किया, ये तो आप तीन क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन शैडो का ध्यान से समझेंगे, आप इसे राइट डाउन कर लें पहले। तो बोलता है कि सुबह में सूर्योदय के बाद राहुल और संजय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। आमने सामने का मतलब क्या हो जाए अपोजिट, यानी फिर से दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। और आगे बोलता है यदि राहुल की छाया यानी राहुल की शैडो संजय के बाएं बनती है, तो फिर से राहुल शैडो बन रहा है किसका राहुल का, बट किसके बाएं संजय के बाएं। तो अभी आपने क्या सीखा कि जिसका शैडो बन रहा है राइट लेफ्ट भी उसी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, तो संजय के बाएं यानी राहुल के खुद के क्या है दाएं है, तो इसे हमने राहुल के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब आप दोनों मेथड से जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी और ट्रिकली भी। तो पहले हम लोग ट्रिकली देखते हैं, ट्रिकली में क्या करना है, ये तो दोनों में करना होगा, उसके बाद ट्रिक में क्या करना है कि छाया को डायरेक्शन में तब्दील कर देना है। तो सुबह का समय है और सुबह के समय छाया किधर होगा वेस्ट में, सन ईस्ट में तो छाया किधर वेस्ट में। अब क्या है राहुल इनिशियल से राइट टर्न लिया तो किधर आया वेस्ट में, इनिशियल से राइट टर्न लिया तो किधर आया वेस्ट में, तो वेस्ट से फिर इनिशियल जाने के लिए क्या टर्न लेना होगा लेफ्ट, और वेस्ट के लेफ्ट नौ के पीछे क्या छौ, छौ का मतलब साउथ, यानी क्लियर हो गया कि राहुल का फेस किधर है साउथ में, और जब राहुल का फेस साउथ में है तो संजय का फेस किधर होगा साउथ का अपोजिट नॉर्थ, यही आप कॉन्सेप्चुअली बनाते। तो आपको पता था क्या कि राहुल ये राहुल है
राहुल की छाया, क्या बन रही है, राइट टर्न लिया तो उसको क्या नजर आया, छाया। तो ये राहुल का क्या, राइट, राइट में क्या नजर आया, छाया। तो इधर क्या होगा, सूर्य। और आपको पता है सुबह के समय सूर्य किधर होता है, ईस्ट में होता है, और ईस्ट के बाद भी आपको पता है कि ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ, यानी राहुल का फेस साउथ, और राहुल जब साउथ तो संजय क्या होगा, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। सो सिंपल। तो आपको हमने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये था क्या, शैडो। नेक्स्ट टारगेट है हमारा क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन। तो आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा कि हमने बोला कि 4:30 बजे 4:30 पे घड़ी की मिनट वाली सुई है नॉर्थ में, तो आपको बताना है कि आवर्स वाली सुई यानी घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4:30 बजे यदि घड़ी की मिनट वाली सुई नॉर्थ में हो तो घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए 4:30 बजे 12:06:39 4:30 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी, तो मिनट वाली सुई होगी 6 पे, और घंटे वाली सुई कहां होगी, तो 4 और 5 के बीच में, ये आप सबको पता है। अब यहां दो सुई है तो बच्चे कोई एक सुई का डायरेक्शन आपको दिया जाएगा और दूसरे का पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मिनट वाला इस सुई का डायरेक्शन दे दिया है कि ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है, और आपको बताना है कि ये वाला डायरेक्शन क्या होगा। तो आप जानते हैं, अच्छा अगर आपने क्लॉक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री, और एक मिनट में जब 6 डिग्री होगा तो 5 मिनट बराबर कितना होगा, 5 × 6 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये आपको पता होगा अगर आपने क्लॉक पढ़ा होगा। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि मिनट की सुई जितनी मिनट बढ़ती है घंटे की सुई उसका आधा, यानी मिनट का आधा डिग्री, मिनट का आधा कौन भागता है, घंटे वाली। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मिनट वाली सुई 4:30 बजा, तो 4:30 कैसे बजा, पहले तो घड़ी में क्या बज रहा होगा, 4, पहले घड़ी में क्या बज रहा होगा, 4 बजे ये पोजीशन रहा होगा दोनों सुई का। अब क्या हुआ कि मिनट वाला सुई 30 मिनट आगे बढ़ गया, और जब मिनट वाला सुई 30 मिनट आगे बढ़ा तो ये रिजल्ट क्या बोलता है, आपने क्लॉक चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब मिनट की सुई जितनी मिनट बढ़ेगी घंटे की सुई उसकी आधी डिग्री बढ़ जाएगी, यानी ये सुई अगर यहां से यहां 30 मिनट बढ़ा है तो 30 का आधा 15 डिग्री, ये घंटे वाली सुई यहां से यहां कितनी डिग्री बढ़ जाएगी, 15 डिग्री बढ़ जाएगी। सेकंड, आप जानते हैं कि यहां 12, यहां घड़ी के अकॉर्डिंग 3, यहां 6, यहां क्या 9, ठीक, ये अच्छा 12 का मतलब नॉर्थ, 3 का मतलब ईस्ट, 6 का मतलब साउथ, और 9 का मतलब वेस्ट, 6 का मतलब साउथ और 9 का मतलब वेस्ट। अब ये यहां से यहां कितना डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री, और यहां से यहां कितना डिग्री है, तो कुछ नहीं बोला तो 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है।
अब 45 होगा कहाँ, एक है, दो है, तीन है। अब आप जानते हैं कि 12 से एक ये कितना मिनट, तो 12 से एक यहां एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, पांच मिनट। और अभी आपने पढ़ा कि पांच मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री, फिर ये कितना डिग्री, 30 डिग्री, और फिर ये दो से तीन कितना, 30 डिग्री, यानी यहां से यहां 30, 30, 30 कितना, 90, टोटल ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये 45 डिग्री कहां होगा, तो 12 से एक तो 30 डिग्री है, यानी और 15 डिग्री जाने के लिए कितना चलना होगा, तो 15 डिग्री कहां होगा, तो ये पूरे पार्ट में तो 30 है, यानी 15 इसके क्या होगा, बीच में, यानी 12 से अगर डेढ़ के बीच, एग्जैक्ट डेढ़ बज रहा है, एग्जैक्ट डेढ़ बज रहा है, तो डेढ़ बजे जो घंटे की सुई होगी उसे अगर 12 से कंपेयर किया जाए तो यहां से यहां एग्जैक्ट कितना, 45 डिग्री। उसी तरह साढ़े चार पे, साढ़े चार पे ये है आपका पांच, ये है आपका चार, साढ़े चार पे यहां से यहां 30 और फिर यहां से यहां 15, ये कितना हो गया, 45। साढ़े सात पे कितना, 45। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये टोटल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 12 से 3 कितना, 90 डिग्री, जिसमें बीच में एक घर आधा घर, ये टोटल कितना घर है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी तीन पार्ट मिला के 90 डिग्री, तो डेढ़ पार्ट मिला के कितना, 45 डिग्री। ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि साढ़े चार, ये वो बस कॉन्सेप्ट था जिसको आपको ध्यान में रखना है, साढ़े चार बजे घड़ी की मिनट वाली सुई कहां है, नॉर्थ में। और आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज में 90 डिग्री जाने पर, आप 90 डिग्री जाने पर नॉर्थ के बाद क्या आता है, ईस्ट। तो भाई ये 6 पे अगर है तो इसका 90 डिग्री कहां होगा, तो सबको पता है कि 6 के बाद 90 कहां, 9 पे, ऐसे भी पता है और ऐसे भी आप पता है कि यहां से यहां 30, 30, 60 और 30 कितना, 90। फिर 9 के बाद 90 कहां, 12 पे, और 12 के बाद 90 कहां, 3 पे। तो ये अगर नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद क्या, वेस्ट। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि ये सुई अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, यानी हमने कुछ नहीं करा, हमको ये डायरेक्शन पता था कि नॉर्थ, और हम क्लॉकवाइज रोटेशन हमको पता है कि क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद 90 डिग्री पे क्या आता है, ईस्ट। तो ये अगर नॉर्थ है, यहां से 90 डिग्री मूव कर जाए तो जहां रुकेंगे वही तो ईस्ट होगा। और ये भी पता है कि 6 से चलना शुरू किए हैं तो 90 कहां जाएगा, 9 पे, तो ये ईस्ट, ईस्ट के बाद 90 पे साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद फर्दर क्या, नॉर्थ। अब ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये क्या है, 12, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, नॉर्थ, ये 3, ईस्ट ये साउथ, और क्या, 6, और ये आपका वेस्ट है, और क्या है, 9 है। और क्वेश्चन में बोला साढ़े चार बजे, तो बच्चे साढ़े चार बजे, साढ़े चार बजे क्या होगा, मिनट वाली सुई 6 पे होगी और घंटे वाली सुई कहां होगी, 4 और 5 के बीच में। ध्यान से समझेंगे, यह है साढ़े चार बजे सुई की स्थिति। और आपको पता है कि घड़ी के अकॉर्डिंग यहां क्या होता है, साउथ, बट क्वेश्चन में इसे साउथ नहीं बोला, इसे क्या बोला, नॉर्थ, यानी साउथ को क्या, सिस से रिप्लेस किया नॉर्थ से। तो आप देखेंगे कि साउथ को जो नॉर्थ बोल रहा है वो साउथ से नॉर्थ कितना डिग्री है, ये होता साउथ है और इसे बोला क्या, नॉर्थ। तो आप डायरेक्शन इंटरचेंज का फर्स्ट क्लास,
इसे ये कहा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा ये याद कीजिए। उसमें क्या करते थे, साउथ को नॉर्थ बोला, साउथ को क्या बोला नॉर्थ, क्यों, क्योंकि यहाँ साउथ होता है और इसे साउथ न बोल के नॉर्थ बोल रहा है, तो हम लोग साउथ से नॉर्थ चले जाएंगे, देखेंगे कितना डिग्री, कितना डिग्री है। तो साउथ से नॉर्थ बच्चे 180 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज में। तो पूछ कह रहा है इसके बारे में, तो ये अभी क्या है, साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट से जब उसी तरह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, तो यहां 45 कितना 180, और ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे राइट डाउन कर सकें। समझते हैं, हमने बोला कि 4:30 बजे टाइम वही रखते हैं, सिर्फ हम अब क्या कर रहे हैं, साढ़े चार बजे घड़ी की मिनट वाली सुई नहीं पता और घंटे वाली सुई का डायरेक्शन दे दिया है वेस्ट, तो आपको बताना है मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो बच्चे फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे कि एक घड़ी बनाएंगे, ये 12, ये 6, ये 3 और ये क्या 9, 4:30 बजे क्या होगा, मिनट वाली सुई यहां और घंटे वाली सुई यहां। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन के अनुसार वेस्ट है। फर्स्ट मेथड में जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है, और सेकंड मेथड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, रियली में जो होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। समझिए एक बार और दोनों को अच्छे से, क्वेश्चन में ये क्या बोला वेस्ट, तो हमने इसे क्या लिख दिया वेस्ट। अब ध्यान में लाना है क्लॉकवाइज रोटेशन कि नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, और यहां से अब ये वेस्ट है पता है, और आपको क्लॉकवाइज रोटेशन में पता है कि वेस्ट के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए तो कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ के पास। अब सवाल यह है कि इसका 90 डिग्री होगा कहां पे, ये क्लॉकवाइज तो इधर ही रोटेट करना है बट एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा कहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि दो तरीका, या तो आपको क्लॉक का पूरा जानकारी होना चाहिए तो आप एंगल के बेसिस पे काम कर सकते हो, और नहीं जानकारी है तो हम लोग एक अप्रोक्स अनुमान लगाकर अपना काम निकाल लेंगे। कैसे, समझिए, अगर ये सुई, हमें इसी का 90 चाहिए, अगर ये सुई यहां 9:03 पर होता तो इसका 90 कहां जाता, नो डाउट 6 पे जाता, बट हम क्या देख रहे हैं कि ये सुई 3 पर नहीं है, 3 से 1.5 डेढ़ घर आगे है। अगर ये 3 पर होता होता तो 90 6 पर जाता, बट 3 से डेढ़ घर आगे है तो 90 भी 6 पर कहां जाने वाला है भाई, 90 तो 6 पर तब जाता जब वो 3 पर होता। अब 3 से डेढ़ घर आगे है तो 90 भी 6 से डेढ़ घर आगे कहां चला जाएगा, 6 से एक घर आगे 7, और डेढ़ घर आगे 7 और 8 के बीच में। एक तो ये, अब आपको क्लॉक का आइडिया है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये सुई 6 पर है, यानी ये 4 से 30 मिनट आगे बढ़ा तो ये सुई 4 से 15 डिग्री आगे बढ़ा होगा, डेट मीन्स यहां से यहां 15 और ये पूरा 30 है तो यहां से यहां 15। अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये 15 30 45 45 और 30 75 और फिर ये 15 कितना 90 हो जाता। बट उतना क्यों करोगे यार, डायरेक्ट करो ना कि 3 पे होता तो 6 पे, नहीं है तो 6 पे नहीं होगा, कहां होगा, तो ये 3 से डेढ़ घर आगे तो ये भी 6 से डेढ़ घर आगे, फिर ये 6 पे होता तो 99 पे जाता, नहीं है डेढ़ घर आगे है
तो 90 भी क्या होगा, 9 से डेढ़ घर आगे साढ़े दस पे, और फिर 9 पे होता तो 12 पे नहीं है तो डेढ़ घर आगे। ये वेस्ट है, वेस्ट के बाद ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ। काम तो आपका हो गया, क्लियर दिख रहा है ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है। इसी को अगर हम लोग सेकेंड मेथड से बनाए तो सेकेंड मेथड में क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं, जो जहां है वहीं छोड़ दो। आपको पता है यहां नॉर्थ, यहां ईस्ट, यहां साउथ, यहां वेस्ट। 4:30 बजे ये होगा घड़ी की स्थिति, यानी यहां पे क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, यहां पे क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमारे अनुसार, आपको पता है कि हमारे अनुसार यहां नॉर्थ है। हमने अभी बोला कि टाइप सेकेंड मेथड में आपको क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलना है, आप जो जानते हैं उसके अनुसार चलना है। और आप जानते हैं यहां नॉर्थ, यहां ईस्ट, यहां साउथ, यहां वेस्ट, तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये क्या होगा, साउथ ईस्ट। और इस साउथ ईस्ट को क्या बोल रहा है, वेस्ट बोल रहा है। तो साउथ ईस्ट को अगर वेस्ट बोल रहा है तो आप साउथ ईस्ट को वेस्ट बोला, तो साउथ ईस्ट से चलेंगे, कहां चलेंगे बच्चे, वेस्ट के पास। तो साउथ ईस्ट से वेस्ट आपने कितना डिग्री चला, तो 45 और 91 35 चला, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। अब पूछा किसका, इस सुई के बारे में पूछ रहा है, मिनट वाली सुई के बारे में। तो यहां से यहां ये हुआ 135 क्लॉकवाइज, तो आपको यहां से भी क्या करना है, 135 क्लॉकवाइज चलना है। और आप 135 क्लॉकवाइज चलोगे तो ये 90 और 45 135 यहां आओगे, और ये डायरेक्शन क्या है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, फिर यहां पे आपका क्लॉक वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये है आपका क्लॉक वेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से 20 सेकंड के अंदर हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए ध्यान देंगे, बोला 8:30 पे, तो अगर हम फर्स्ट मेथड से जाए, अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे आपका टाइम आउट हो चुका है 8:30 बजे। यदि घड़ी की मिनट वाली सुई किस दिशा में है, सॉरी मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है, तो बच्चे 12:06:39 8:30 बजे क्या होगी, मिनट वाली सुई 6 पे और घंटे वाली सुई कहां होगी, 8 और 9 के बीच में। और बोला कि 8:30 बजे मिनट वाली सुई कहां है, ईस्ट में। तो फर्स्ट मेथड में तो क्वेश्चन के अनुसार चलना है, यानी ये आपका ईस्ट है, तो आपको इस सुई का डायरेक्शन बताना है। और सो सिंपल, आप जानते हैं कि 6 से अगर 90 डिग्री आदमी ईस्ट से रोटेट करे तो ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ। और 90 डिग्री जाएगा कहां पे, 9 पे जाएगा। और जैसे ही 9 पता चलेगा ईस्ट के बाद साउथ, ये तुरंत क्लियर हो जाएगा कि साउथ और ईस्ट के बीच का ये डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। नाउ सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, ये 12, ये 6, ये 3 और ये क्या, 9। आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट। अभी आपने सीखा कि इसमें हमें अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, जो होता है वही रखना है। 8:30 बजे, 8:30 बजे क्या होगा, मिनट वाला सुई 6 पे और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 8 और 9 के बीच में होगी। तो ये है 8:30 की स्थिति।
अब ये बोला क्या कि हम जानते हैं ये क्या होता है साउथ, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे साउथ नहीं बोल के इसे क्या बोल रहा है, ईस्ट। तो अगर इसे ईस्ट बोल रहा है मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, साउथ से ईस्ट चले जाओगे। क्यों? क्योंकि साउथ को ईस्ट बोल रहा है। देख लो कितना डिग्री चला, तो भाई 90 डिग्री चला। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब जिसके बारे में पूछ रहा है वहां से भी 90 डिग्री रोटेट कर जाओ। यहां से 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इधर आओगे, और ये डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट। ये है साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट से 90 डिग्री रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां पहुंच जाओगे, साउथ ईस्ट में पहुंच जाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर? ध्यान देंगे, बोलता है कि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में है, तो 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो घबराना नहीं है, ये नहीं कि सर अभी तक तो आपने एक ही टाइम दिया था, अब यहां दो दो टाइम आ गया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट वहां लगा था सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आराम से आप इस क्वेश्चन को पिछले मेथड से सॉल्व करेंगे, इजिली सॉल्व होगा। देखिए फर्स्ट मेथड में आपने क्या सीखा था, 4:30 पे क्या बोला कि मीन घंटे वाली सुई किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है 12, ये 6, ये 3 और ये क्या 9। 4:30 पे क्या होगा बच्चे, तो मिनट वाली सुई 6 पे और घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, और इस सुई का डायरेक्शन दिया हुआ है। इस सुई का डायरेक्शन क्या दिया है, तो इस सुई का डायरेक्शन दिया है नॉर्थ। तो हम इसे क्या मान लेंगे, नॉर्थ। और आपको पता है कि नॉर्थ के बाद 90 डिग्री पे क्या होगा, ईस्ट होगा, यानी ये हो जाएगा क्या, ईस्ट। ईस्ट के बाद 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज में साउथ, और साउथ के बाद क्या, वेस्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ, ये वेस्ट। ये अगर नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, एक एक चीज क्लियर है। अब इसमें हमको इंटर करा देना है 7 बजे को, और 7 बजे मिनट वाली सुई का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बच्चे 7 बजे क्या होगा, तो 7 बजे मिनट वाली सुई होगी कहां पे, 12 पे, और घंटे वाली सुई कहां होगी, 7 पे। और जैसे ही आप 7 का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, क्लियर है कि ये डायरेक्शन आपको बताना है मिनट वाली सुई का, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। क्लियर? नाउ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमने क्या करा कि 4:30 बजे 12, 6, 3, 9 4:30 बजे ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, ये रहा आपका 4:30। ये सुई अभी किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट में है। किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है। तो हमारे अनुसार ये साउथ ईस्ट है, बट क्वेश्चन के अनुसार इसे क्या बोला, तो क्वेश्चन के अनुसार इसे नॉर्थ बोला। यानी मामला क्या है कि साउथ ईस्ट हो गया क्या, नॉर्थ हो गया। तो आपको साउथ ईस्ट से चलना है और नॉर्थ पे आके रुक जाना है। तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ ये 45 और 190 कितना, 135। साउथ ईस्ट से आप नॉर्थ गए, इसका मतलब आप 135 डिग्री चले किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में।
अब आपसे पूछ क्या रहा है, 7 बजे मिनट वाली सुई, तो 7 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी, नॉर्थ में, लेकिन आपको नॉर्थ थोड़े आंसर बताना है, यहां से आपको 135 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, और यहां से जब आप 135 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 90 और 45 आप यहां आएंगे, और ये डायरेक्शन कौन सा है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट, सो सिंपल। फिर से एक बार हम इसे कंक्लूड कर देते हैं, क्या बोला, 4:30 बजे, हमारे अनुसार 4:30 बजे जो घंटे वाली सुई होगी वो कहां होगी, साउथ ईस्ट में, बट क्वेश्चन के अनुसार वो नॉर्थ है, यानी साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला, तो हम साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे, और साउथ ईस्ट से जब नॉर्थ जाएंगे तो ये रहा साउथ ईस्ट, यहां से नॉर्थ जाएंगे तो क्लियर है कि हमने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब आपसे पूछ रहा है 7 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी, तो 7 बजे मिनट वाली सुई यहां होगी, और यहां से फिर हम 130 जो काम यहां किए सेम काम यहां करेंगे, तो पहुंच जाएंगे कहां पे, साउथ और वेस्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये था क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन, उम्मीद है आपको शैडो बेस्ड डायरेक्शन और क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे, और कहीं पे भी कोई भी परेशानी हुई हो तो उसे भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की चीज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट दो क्लास, अब दो क्लास और लगेंगे और डायरेक्शन फिनिश हो जाएगा, तो आगे का जो दो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस दो क्लास में आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बिल्ट होगा, क्योंकि इस दो क्लास में हम काफी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए अगला दो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।